महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जग सारा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है नारी शिक्षा पर निबंध। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार कोश को जरूर सब्सक्राइब करें। एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा होता है और नारी इस कड़ी का एक अहम हिस्सा है। परिवार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक समाज का गठन करती है और परिवार की केंद्र बिंदु नारी होती है। यदि एक नारी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है और जब एक परिवार शिक्षित होता है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, यह तो नारी हो या पुरुष, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा सभी का समान रूप से हित साधन किया करती है। फिर भी भारत जैसे विकासशील देश में नारी की शिक्षा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वह देश की भावी पीढ़ी को योग्य बनाने के कार्य में उचित मार्गदर्शन कर सकती है। बच्चे सबसे अधिक माताओं के संपर्क में रहा करते हैं। शिक्षित माता ही बच्चों के कोमल व मन मस्तिष्क में उन समस्त संस्कारों के बीज बो सकती है जो आगे चलकर अपने समाज, देश और राष्ट्र के उत्थान के लिए परम आवश्यक हुआ करते हैं। नारी का कर्तव्य बच्चों के पालन पोषण करने के अतिरिक्त अपने घर परिवार की व्यवस्था और संचालन करना भी होता है। एक शिक्षित और विकसित मन मस्तिष्क वाली नारी अपनी आय, परिस्थिति, घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता आदि का ध्यान रखकर उचित व्यवस्था एवं संचालन कर सकती है। विश्व की प्रगति शिक्षा के बल पर ही चरम सीमा तक पहुंच सकी है। यदि नारी जाति अशिक्षित हो तो वह अपने जीवन को विश्व की गति के अनुकूल बनाने में सदा असमर्थ रहती है। यदि वह शिक्षित हो जाए तो उसका पारिवारिक जीवन स्वर्गमय हो सकता है और उसके बाद देश, समाज और राष्ट्र की प्रगति में वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समर्थ हो सकती है। भारतीय समाज में शिक्षित माता गुरु से भी बढ़कर मानी जाती है क्योंकि वह अपने पुत्र को महान से महान बना सकती है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए नारी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। सशिक्षा के द्वारा नारी जाति समाज में फैली कुरीतियों व कुप्रथाओं को मिटाकर अपने ऊपर लगे लांछनों का सहज ही निराकरण कर सकती है। नारी है ममता की ज्योति, ज्ञान की ज्योति भी बनाना है। नारी को पढ़ाना है, नारी को पढ़ाना है। थैंक यू।